जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जा रहा है उसी के बारे में। तो आप सभी इस रोमांचक मुकाबले के बारे में जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत तो उनको आउट करने के लिए पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कर दी ऐसी हरकत कि देखने के बाद हर एक भारतीय देशवासी भड़क उठेगा। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि विराट कोहली ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगाया छक्का, तो ऐसा था शाहीन अफरीदी का रिएक्शन, देखने के बाद आपको भी आएगी हंसी। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबलों में जीत हासिल करे तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच के साथ किया, जहां पर पाकिस्तान के कप्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों मैच की जानकारी जानने से पहले आइए आपको बताते हैं भारत की पहले प्लेइंग 11 टीम क्या थी। दोस्तों आज भारत की प्लेइंग 11 टीम में केएल राहुल और रोहित शर्मा तो पहले की ही तरह बने हुए थे टीम में, तो वहीं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को इस मुकाबले में उतारा गया, जहां पर आज मैदान पर भारतीय टीम की लैब पूरी तरीके से बिगड़ती हुई इस मुकाबले में दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो आते से ही भारत का पहला बड़ा विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिर गया। दरअसल यहाँ पर भारत की तरफ से जब ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा आए तो पहली गेंदे तो केएल राहुल ने खेली, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल पाकिस्तानी गेंदबाजों को जरूर संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक हुआ नहीं। दरअसल पहला ही ओवर पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी करवा रहे थे और उन्होंने रोहित शर्मा का पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर 0 रन पर आउट हुए और शाहीन अफरीदी ने उनको LBW आउट किया। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां पर कप्तान विराट कोहली तो मैदान पर टिककर एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि यहां पर जब केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली के साथ मिलकर तो केएल राहुल भी मात्र 3 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए, जहां पर शाहीन अफरीदी ने ही उन्हें तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट किया। और इसी के साथ भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका मात्र 6 रन के टोटल स्कोर पर लग गया था। और ऐसे में भारतीय टीम पूरी तरीके से मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक कोई आस नहीं थी कि भारत कैसा प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली जब मैदान पर उतरे थे तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी हड़बड़ाहट में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हसन अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान को कैच थमा बैठे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 8 गेंदों में मात्र 11 रन की पारी खेली और अपनी 11 रन की पारी के दौरान उन्होंने एक चौका और एक बड़ा छक्का लगाया था। तो वहीं सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, जहां पर ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच अच्छी साझेदारी निभती हुई नजर आ रही थी। और वहीं इसी दौरान विराट कोहली अपने बल्ले से आक्रामक रूप अपना दिखा रहे थे, जहां पर वो छक्के और चौकों की बरसात कर रहे थे और वहीं दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए नजर आए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि जब विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच में जब साझेदारी बढ़िया होती चली जा रही थी तो उस दौरान ऋषभ पंत ने बखूबी विराट कोहली का साथ निभाया और यहां पर ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे थे, जहां पर वो चौके और छक्कों में ही बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर 30 गेंदों में 39 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने इस दौरान 2 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए, हालांकि उनको शादाब खान ने कोट एंड बोल्ड आउट करवाया और इसी के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का यहां पर विकेट गिरा। और वहीं दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जहां पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच में बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई नजर आई और यहां पर हार्दिक पांड्या ने जहां विराट कोहली का बखूबी साथ निभाया तो वहीं विराट कोहली की वजह से भी भारतीय टीम काफी अच्छे स्कोर तक पहुंच सकी। बाकी दोस्तों यहां पर आप सभी इनका स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। और वहीं बात करें अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों की तो पाकिस्तानी गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करी, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं हसन अली को 1 विकेट मिली, शादाब खान को भी 1 बड़ी सफलता हाथ लगी और इसी के साथ यहां पर भारतीय टीम ने इतना रन का स्कोर बनाया जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हो। और अब आपकी क्या राय इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 15वें मैच में बांग्लादेश का सामना शारजाह में श्रीलंका के साथ हुआ, जहां पर इस
मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जहां पर उनका पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में बिल्कुल गलत उनकी टीम के लिए साबित होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों आज जब दोनों ही टीमें उतरी तो दोनों ही टीमों के इरादे थे कि इस मुकाबले में वो जीत हासिल करे, लेकिन जीतती तो बस मात्र एक ही टीम और टीम भी वो जिसने बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में करा। दरअसल बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो बांग्लादेश की तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नईम और लिटन दास, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी साझेदारी हो रही, तरफ से खेलते कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, जहां पर शाकिब अल हसन 7 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए और उनको चमिका करुणारत्ने ने आउट किया और अपनी इस 10 रन की पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए। तो वहीं शाकिब अल हसन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे मुशफिकुर रहीम, जहां पर मोहम्मद नईम और मुशफिकुर रहीम के बीच में काफी शानदार बल्लेबाजी देखने के लिए मिली, लेकिन इसी बीच मोहम्मद नईम जो कि 62 रनों पर नाबाद खेल रहे थे उनका विकेट गिर गया, जहां पर बुमराह फर्नैंडो ने उनको कॉटन बोल्ड आउट किया और यहां पर मोहम्मद नईम 52 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। तो वहीं मोहम्मद नईम के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे आफिफ हुसैन, जहां पर आफिफ हुसैन इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 1 चौका लगाया और उनको लहिरू कुमारा ने 19वें ओवर की 3री गेंद पर रन आउट किया। उसकी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाए और श्रीलंका की टीम को 20 ओवर में 172 रनों का लक्ष्य मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रोहित शर्मा मैं पाकिस्तानी पत्रकार हूँ, हिटमैन के जवाब से खिलखिला उठे लोग। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच के दौरान आमने सामने होगी, जहाँ पर इस मैच में सभी की निगाहें टिकी होंगी और जहाँ पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा कैसी बल्लेबाजी करेंगे इस पर भी हर किसी का ध्यान होगा। लेकिन दोस्तों इसी सिलसिले में हम आपको बताएं कि पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बोला, रोहित शर्मा बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानी टीम लंबे समय से संकट से जूझ रही है, पड़ोसी होने के नाते इस संकट से निकालने के लिए आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्या सुझाव देंगे, तो इसका उन्होंने जवाब ये दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब आपकी क्या राय इसके बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, वहीं भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा जैसे नगीने हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नगीने हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शोएब मलिक और मोहम्मद हाफिज जैसे सितारे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आज हिंदुस्तानी धुरंधरों को ये खिलाड़ी टक्कर दे पाते हैं या फिर नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।